मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, डिपेंड करता है कि कस्टमर्स को एग्जैक्टली चाहिए क्या होता है। कई कस्टमर्स होते हैं न्यूबॉर्न के लिए स्टार्टिंग होता है तो हमें प्राइम कम स्टॉलर चाहिए होता है, तो वो न्यूबॉर्न से लेकर 3 ईयर्स तक चलते हैं। और कईयों को चाहिए होता है लाइट वेटेड। कि अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। जैसे ये देखो सर, इसमें आपका रहेगा, ये आपका प्राइम कम स्टॉलर है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो ये आप आराम से इसको न्यूबॉर्न से यूज़ कर सकते हो। सिटिंग पोजीशन में भी यूज़ करना है, जैसे 6 मंथ बाद बेबी थोड़ा रिक्लाइनिंग पोजीशन में आ जाता है तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 360 इसके व्हील्स होते हैं, रिवर्सिबल हैंडल भी होते हैं। जैसे अभी हमने पीछे से कैरी किया तो इसको आगे से कैरी करना है, हमें यहाँ से आगे से कैरी करना है, बच्चा हमें देखेगा, ठीक है। हम बच्चे को अट्रैक्ट होंगे तो बच्चा क्रैंकी नहीं होगा, इजीली बहुत कंफर्टली बैठेगा, ठीक है। ये थोड़ा बल्की होता है कि नॉर्मल हमें जैसे घूमना है, स्टडी भी है, बल्की भी है, और इसमें रॉकिंग सिस्टम भी होता है सर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक बेबी हग में, जो ई एन सर्टिफाइड के साथ आता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लाइट वेटेड में देखना चाहेंगे तो लाइट वेटेड में भी हमारे लिए है कि कई कस्टमर्स होते हैं कि हमें कॉम्पैक्ट चाहिए, फ्लाइट में भी कैबिन तक हमारे साथ जाए, तो ये वाला रहेगा सर बहुत। हाँ, ये इजी ट्रेवल होता है आपका बेबी हग का। ये हम ऐसे करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, सिंगल हैंड होल्डिंग है, सूट के स्टाइल पैकिंग है, हाँ कॉम्पैक्ट हो गया, आप आराम से कैरी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर को कैसा चाहिए, हमें पहले कस्टमर को समझना होता है कि कैसे उनको दिखाना क्या है, उनको उनकी नीड क्या है, उनके नीड को समझना होता है हमें। तो इनकी कॉस्ट क्या स्टार्टिंग प्राइस सर? कॉस्ट इसकी आपकी 10,000 के अप्रॉक्सीमेट होती है, 10 to 11,000 इस वाली वेरिएंट। हाँ जी, इस वाली वेरिएंट की। वैसे इसकी नॉर्मल स्टार्टिंग प्राइस सर 4500 5000 के रेंज में होती है, 6000 की रेंज में। सो उस पर डिपेंड करता है। हाँ यस, 4500 के। हाँ जी, स्टार्टिंग होती है। ये जो है इनका सर, इस पर अभी क्या होता है कि इसकी MRP 10,995 की MRP है इसकी। तो इस पर हम देखेंगे कि डिस्काउंट क्या आता है, जो फर्स्ट कैप पे डिस्काउंट आता है ना, वो सेम हम आपको मैच करके देते हैं। प्लस यहाँ आप स्टोर पे इसकी एक एक चीज़ समझ सकते हैं। मैं आपको इसका पूरा डेमो दूंगा कि इसको हाउ टू यूज़, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, रिक्लाइनिंग पोजीशंस सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, कुशनिंग वगैरह अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो मीन्स अगर कोई भी कस्टमर या पेरेंट्स जब आते हैं अपने बच्चे के लिए लेने तो आप पूरा अच्छे से डेमो? हाँ, पूरा डेमो देते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, एग्जैक्टली उनको सेटिस्फाई करते हैं कि वो कंफर्ट हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। और उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? उसके अलावा सर एक इसमें आप स्टॉलर्स में हमारे पास ये भी आ जाता है, वंडर बडी हो गया। इसका नाम सर वंडर बडी है, वंडर बडी। हाँ, इसमें आपका ये भी रिवर्सिबल हैंडल भी है सर इसमें, ठीक है। इसमें 2 ट्रेज के साथ आते हैं, कैनोपी पूरी रहेगी, यूवी रेज प्रोटेक्टेड होती है कैनोपी आपकी। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है, ये लाइट रिफ्लेक्टिंग लगा हुआ है सर। कहीं हम रात में जाते हैं जैसे पार्क वगैरह गए या कहीं ट्रैवल पे गए तो लाइट रिफ्लेक्टिंग होता है। अगर अंधेरा हुआ, सामने से कार आ रही है तो कार की लाइट इस पर आएगी तो वो जो ड्राइव कर रहा है उसको ऑटोमेटिकली पता लग, हाँ रिफ्लेक्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। हाँ ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सर। हाँ जी, ये इसका प्लस पॉइंट है, ये है लाइट रिफ्लेक्टिंग यहाँ से। होगा या फ्रंट पे ही है? सर ये फ्रंट पे ही होता है। अच्छा। हाँ, इसमें बेबी एग में ये सबसे मतलब और किसी स्टॉलर्स में नहीं मिलेगा आपको प्राइम में, जो इसमें होता है सर। और इसकी क्या कॉस्ट रहेगी सर? इसकी कॉस्ट है 11,500। अच्छा, कोई दिवाली डिस्काउंट वगैरह सर? वो डिस्काउंट सेम होता है ऑनलाइन वाला जो मैंने आपको बताया, ऑनलाइन से जो भी डिस्काउंट आ रहा होगा वेरी करता है सर, किस वक्त कितना आ रहा है, जितना डिस्काउंट आएगा उतना उसके अकॉर्डिंग मिलेगा सर आपको। ये हमारे, हाँ सर, इसमें आपका ये अदर आर्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे सर आपको। इसमें लाइट वेटेड है, ये आपका कोजी कोस्मो है जो इसमें आपका ये 6,000 से स्टार्ट होता है सर, ये इसकी MRP 6,000 है। और सर आगे फिर मैं आपको बेबी उसमें नर्सरी में बता देता हूँ आपको। आ जाइए सर। इसकी कॉस्ट क्या रहेगी फिर? इसकी कॉस्ट 8,300 की MRP है इसकी, और फिर वही प्राइस वेरी करता है डिस्काउंट कितना आ रहा है। इसमें और कोई भी आते हैं या? सर पैटर्न बहुत सारे आते हैं स्विंग में, बहुत सारे पैटर्न आते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्विंग में पैटर्न बहुत सारे आते हैं। एक ग्रेविटी आता है जो बेबी का ग्रेविटी है, गाइटी उसको कहते हैं, बहुत अच्छे से ये वाला है, ये मैनुअल है, वो इलेक्ट्रिक है, ये मैनुअल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्टोरेज है, ऊपर आपका पूरा मूविंग के लिए होता है, ज़्यादा स्विंग नहीं होता है कि ये कुछ रीज़न होता है बच्चों के लिए कि ज़्यादा स्विंग नहीं दे सकते हम, छोटा बेबी होता है ज़्यादा स्विंग नॉर्मल स्विंग के साथ होता है सर, कोई भी स्विंग लेंगे। हाँ नीचे आपका स्टडी फ्रेम है इसका, ये फ्रेम देख सकते हैं, पूरा स्टडी फ्रेम होता है ये। सो ये आपको बेबी को एक स्टेबिलिटी देता है कि आराम से बेबी गिरेगा नहीं, पूरी स्ट्रॉन्गबिलिटी के साथ आता है ये। और नीचे बेबी का कुछ भी सामान हो आप इसमें, बेबी हग नाम की तरह ही बिल्कुल सर बेबी को बनाया है, प्रोडक्ट को बनाया है पूरा बेबी के लिए, बेबी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, बच्चे को मिलना चाहिए कंफर्ट जोन हो, कोई पेरेंट्स या गार्जियंस पैसा खर्च इन्वेस्ट कर रहा है तो सर उसके अकॉर्डिंग आप चीज मिलेगा। हाँ, अगर मैं आपसे सर 8,000 रुपीज़ ले रहा हूँ तो 8,000 के अकॉर्डिंग मैं आपको सामान भी दे रहा हूँ कि बेबी कंफर्ट रहे, आपके पैसे का अच्छे से यूज हो, बेस्ट यही है। हाँ, आपको बाद में ना लगे कि यार हमने वेस्ट किया, बेबी ये चीज है सर। तो इसके ये 3 कलर है? हाँ ये 3 कलर है सर इसके।
और सर इसमें और बाकी मैं अब आपका डायपरिंग का दिखा देता हूँ, जैसे छोटे बेबी होते हैं ये डायपरिंग की रेंज है सर, एडवांस है और प्री, एक बेबी हैक प्रो भी आया है, न्यू वर्जन आया है और वो काफ़ी अच्छा एडवांस है सर, वो बहुत अच्छे यूज़ आते हैं। एक ये आपका बेबी हैक एडवांस है, वो प्रो है और ये बेबी हैक एडवांस है। इसमें साइजेस होते हैं, डिपेंड करता है बच्चे का साइज़ कितना है। न्यू बोर्न साइज हो गया, तो न्यू बोर्न का मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। न्यू बोर्न का ये सर ये साइज़ है, जैसे छोटा बेबी है अब हमें न्यू बोर्न साइज यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके 20 पीसेज होते हैं, पीसेज अगर आपको कम चाहिए तो कम वाले ले सकते हैं, क्वांटिटी में बल्क ही चाहिए तो आप बल्क में भी देख सकते हैं। साइज वाइज होते हैं, एज ग्रुप इस पे मेंशन होता है कि बच्चे का वेट एक्चुअली होता कितना है, तो वेट यहाँ पे वेट होते हैं सर, वेट मेंशन होता है अप टू 4 kg तक का होता है ये वेट है सर, ये आपका वेट है और हर किसी पे वेट होता है। जैसे स्मॉल पे देख लो आप, स्मॉल पे आपका ये वेट है सर 4 to 8 kg तक में, ये 4 to 8 kg में ये वेट होता है, वेट के अकॉर्डिंग आप पेरेंट्स लेते हैं ये बच्चे का वेट कितना है। हाँ अगर हम सर की प्राइजिंग एक रीजनेबल प्राइस होता है और बेस्ट है सर, ये 12 आवर्स तक चलता है आपका, नाइट पूरा ओल्ड नाइट चलता है, आराम से यूज़ करेंगे। इवन इसमें है, मैं ये 239 का है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, मेरा भी बेबी 7 month का है, सो मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, 7 month का बेबी है और सही है सर, बहुत अच्छा है। अगर मेरे से अगर जैसे बाकी अगर हम डाइपर की बात करें तो कुछ डाइपर्स जो बच्चों को रैशेज डाल देते हैं, हाँ। फिर उसके लिए हमें अलग से कोई क्रीम सर, उसके लिए क्रीम होता है, डाइपर रैश क्रीम होते हैं, हाँ वो रैश क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक कैसा फीडबैक सर? फीडबैक बहुत अच्छा है, इसमें कोई रैशेज की चांसेस नहीं है सर, नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्व करता है अच्छा से। अगर बाकी ब्रांड से कंपेयर करें तो इनकी कॉस्ट उनसे कितनी? बाकी ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो ये रीजनेबल भी पड़ रहा है और बाकी ब्रांड को जैसे वो आपका एक टाइम लिमिट दे रहे हैं, ये आपका पूरा अच्छा, जैसे वो पूरी अपनी क्वालिटी दे रहे हैं वैसे ही आपको क्वालिटी दे रहा है और इसकी प्राइसिंग भी कम है सर। ओके फिर डिस्काउंट भी अच्छा है और आपकी क्वालिटी में भी उसका पूरा मैनेज कर रहा है। मिनिमम जो सबसे कम पीस वाला कितना? हाँ सर 20, सबसे कम पीसेस वाला 20 का है, मैक्सिमम मैक्सिमम में सर 64 का है मेरे पास ये। हाँ जी 64 का सर, इसमें मीडियम है और नीचे भी मिल जाएगा आपको। ओके मतलब डाइपर के? हाँ डाइपर के इसी रेंज में आ जाते हैं लार्ज। हाँ जी हाँ जी, सारी रेंज मिल जाएंगी आपको जी, और न्यूबॉर्न से लेके लास्ट तक। और सर इसमें होता है कि एक जैसे हमने ये यूज़ किया तो वेट वाइज भी हम देते हैं, सजेस्ट करते हैं पेरेंट्स को, जैसे वेट वाइज ये देखो सर क्लीन करने के लिए फेस वगैरह हैंड या बच्चों को क्लीन करना हो, अभी जैसे विंटर आ रहा है विंटर में ये बहुत सही होता है। बीबी का इसमें होता ना एडवांस 99% वाटर के साथ आता है, इसमें केमिकल नहीं होते हैं सर। ओके सो कई गेहूँ में केमिकल्स होते हैं बट इनमें केमिकल फ्री है सर ये, ठीक है। एलोवेरा वाले भी होते हैं, जैसे ये एलोवेरा का है ये देख सकते हैं, ये एलोवेरा का है। अच्छा ये हाँ जी, और ये आपका इसमें फ्लिप का वो वाला भी होता है कवर्ड वाला। अच्छा। कि आपका ड्राई नहीं होगा, जल्दी ड्राई नहीं होगा। अच्छा नॉर्मली पैकेट नॉर्मली हाँ जी, वो ड्राई होने के चांसेस होते हैं बट ये ड्राई नहीं होता। तो इनकी क्या रेंज रहती है सर? इनकी भी रेंज 100-200 की रेंज में होती है, 150 की रेंज में होती है, ये 165 की है। और कितने ये क्लोथ डाइपर आ जाएगा, ये क्लोथ डाइपर होता है, कंफर्टेबल होता है बेबी न्यूबॉर्न से लेके, इसका 2 years तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जैसे इंसर्टर भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ साइज़। हाँ आइटम हाँ ये न्यू है, आपको मैं दिखा देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें एडजस्टेबल भी होता है, साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं बेबी के हेल्थ के अकॉर्डिंग। इसमें आपका जैसे इसको यूज़ करना है, अगर हमें इनकेस अगर हमें डाइपर यूज़ नहीं करना, हम नहीं करते, कई कस्टमर्स होते हैं डाइपर यूज़ नहीं करते हैं, सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये आपका इंसर्टर होता है जो ऑब्जर्व करता है यूरिन वगैरह बेबी के, यूरिन पास करता है। हाँ जी, तो ये वॉशेबल होता है, रीयूज होता है, आराम से यूज़ कर सकते हैं। डिटैचेबल होता है सर? डिटैचेबल मतलब नॉर्मल। हाँ नॉर्मल अटैच कर सकते हैं, सो आप इसको इसको लगा सकते हैं कहीं ट्रेवल पे जाना हो, या हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं ट्रेवल आराम से कर, ऐसा डाइपर फ्लोट डाइपर। हाँ इसको रीयूजेबल होता है, आपको वॉश करके कितने सर? 695 की MRP है इसकी। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम तक ये सर? ये 2 to 3 times आपका ऑब्जर्व करेगा, 2 to 3 times जैसे बेबी यूरिन वगैरह पास करता है तो फिर आपको उसके बाद चेंज करना। ये अलग से भी आते हैं सर, ये अलग से भी आते हैं। हाँ इसकी अलग से 595 की रेंज में है सर, सिर्फ इसकी 3 packs होते हैं सर, ठीक है। सो आपका वो अलग से दे बाय कर सकते हैं। ये बेबी हैक ने? हाँ ये बेबी हैक ने लॉन्च किया है, किसी और ब्रांड ने अभी तक किया भी नहीं सर। है ब्रांड में और भी हैं बट ये भी अभी बेबी हैक ने भी लॉन्च किया है। काफी सारी चीजें आप बेबी हैक की देखेंगे जो आपको कंफर्टेबल रहेगा बेबी का। खुद पहली बार देख रहा हूँ। नहीं सर इसमें काफी टाइम से आ रहा है ये भी, और यूज कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा चीज है बेबी के लिए। अगर डायपर अगर कभी इनकेस रैशेज होते हैं, हमें डायपर नहीं यूज करना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ जाता है आपको।
इधर सर बेबी के लिए इसमें मिल जाएगा आपको ब्लैंकेट्स वगैरह, इसमें यहाँ पे इस टाइप के ब्लैंकेट्स मिलेंगे बेबी से रिलेटेड, ये वाले ब्लैंकेट्स होते हैं सॉफ्ट ब्लैंकेट, हाँ सॉफ्ट होता है, और इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लैंकेट्स थोड़े हैवी होते हैं, तो ये बेबी के लिए इसलिए बनाए जाते हैं कि लाइट होता है, थोड़ा गर्म होता है और ऑल सीजन चलते हैं। हाँ ये ऑल सीजन चलेंगे बेबी के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा वॉर्म चाहिए तो वॉर्म भी मिल जाएगा इसमें आपको, ये देखिए सर इसमें पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंस होते हैं, वॉर्म वाला रहेगा, लाइट वेटेड है और वॉर्म है, अच्छा वॉर्म होता है, इसमें रैप भी कर सकते हैं बेबी को, एक ये रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहेंगे। इन सब के प्राइजेस होते हैं सर रीजनेबल 1195 2000 1500, इसमें आ जाते हैं आपके। ये रैपर, एक रैपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेबी को रैप करना कैसे होता है, ये देखिए सर ये रैपर होता है बेसिकली बेबी को रैप करने के लिए, हम कहीं न्यूबॉर्न बेबी हो हमें रैप करना हो, अभी थोड़ा हमारा बाहर का वेदर भी ऐसा ही है, कोरोना से अभी जल्दी जल्दी निकले हैं बट छूटा नहीं है, और इसमें क्या होता है कि हम आराम से बेबी को रैप करके बाहर लेके जा सकते हैं, डॉक्टर लेके जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, सीजनल आप ये बहुत लाइट वेट, हाँ लाइट वेटेड है, आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ये बेल्ट भी आता है, ये इसको ऐसे आराम से यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको इसकी ज़रूरत लग रही है तो आप इसको इसका बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड ऑप्शनल होता है, आराम से यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, लाइट वेटेड पता भी नहीं चल रहा कि कुछ ये चीज़ होती है सर बेबी है कि यही तो चीज़ है, बेबी है कि एक ब्रांड है जो बेबी के कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाता है। इसमें सर फिर मैं आपको इधर पिलो भी दिखा देता हूँ, इसमें पिलो आ जाती हैं, जैसे ये राय पिलो होते हैं, राय पिलो में ये होता है कि हेड का शेप होता ना, न्यू बॉर्न बेबी के लिए होता है, हेड शेप होता है कि बेबी को हमारा जैसे कभी कभी होता है हेड का वो चेंज हो जाता है, तो उसमें होता है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें साइजेस भी आते हैं, डिज़ाइन भी आएंगे आपके, ये डिज़ाइन आएंगे, साइजेस चेंज हो जाएंगे, कलर्स वगैरह, हाँ डिज़ाइन हो गया, जैसे ये देख सकते हैं एप्पल का डिज़ाइन होता है, कई हमारे वेरिएंट होते हैं कि हाँ नहीं हमें थोड़ा इस डिज़ाइन में चाहिए, इस चीज़ में चाहिए, तो ये आपको मिलेंगे। इसमें पिलो की भी काफ़ी, हाँ पिलो की भी वेराइटीज़ मिलेंगी आपको, सारे राय पिलो, हाँ ये फिर आती हैं आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये रैपिंग शीट है, बेबी रैप होता है, जब बेबी बॉर्न होता है ना तो हमें रैपर चाहिए होते हैं बेबी को रैप करने, फर्स्ट रैप होता है, उस टाइप में आपको ये वाला रैप यूज़ आएगा। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सॉफ्ट रहता है, स्ट्रेचेबल रहता है, बेबी को कंफर्ट रहता है, जो फर्स्ट रैप होता है ना डॉक्टर्स, जब बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर्स मांगते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये देखो सर कोजी है, कंफर्ट है, बहुत अच्छा है, आराम से यूज़ कर सकते हैं। कभी इसमें रैप करने का रीज़न क्या होता है, ये इतना स्ट्रेचेबल होने का रीज़न, बेबी को रैप करेंगे तो बच्चा स्प्रेड तो करता ही, हैंड एंड लेग्स तो आराम से स्प्रेड कर सकता है, बंदा बंदा भी नहीं रहेगा और वो बच्चा बंदा भी रहेगा, ये चीज़ है। इसमें रैप, इसके भी ऑप्शन और कलर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी ये रहे स्लीपिंग बैग, बच्चे को स्लीपिंग बैग, एक मैंने आपको रैपर दिखाया था काइंड ऑफ, ये वैसा ही है बट ये थोड़ा सा जिप वाला है, आप इसको देख सकते हैं, ये भी कंफर्टेबल रहता है, ये इस टाइप से यूज़ आएगा। ये देखिए सर ये आप ऐसे आराम से कैरी कर सकते हैं, अगर आपको इसमें भी कैप बनाना हो, ऑप्शनल है कैप बनाना हो, आप कैप बना सकते हैं, ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये रहेगा आपका, इसकी भी MRP आपकी 695 की रेंज में आती है, ये एक चीज़, हाँ 695 की MRP है, रीजनेबल है और सब चीज़ बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं लुक वाइज भी, इसमें भी कलर्स मिल जाते हैं, पिंक कलर आपको, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, एक जनरल कलर मिलता है, ये कॉट में लगते हैं, ये आपका कॉट में लगेगा, जैसे बेबी कॉट है मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, नीचे डिस्प्ले है, ये कॉट में बम्पर सेट होता है, ये पूरा आता है इसमें, बेडिंग सेट 6 पीसेस का बेडिंग सेट है, बेडिंग सेट में आ जाता है आपका, तो इसको हम नीचे देखें, हाँ नीचे मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। इसमें होता है सर बाथिंग सेक्शन होगा, बात ये आपका हेल्थ एंड सेफ्टी का है, इसमें जैसे नेल कटर्स हो गए, नेजल एस्पिलेटर हो गया आपका, ठीक है, आप इसमें आपको काफ़ी कॉम हो गया, हर एक चीज़ आपका बाथिंग सेक्शन आ जाता है, टब हो गए आपका 6 मंथ के बाद टब यूज़ आ जाएंगे, इसके भी वेरिएंट मिलते हैं, फोल्डेबल टब भी आते हैं बट अभी हमारे पास ये वाले अवेलेबल हैं जो आप इसमें टब यूज़ कर सकते हैं 6 मंथ के बाद, एक्चुअली इसके साथ न्यूबॉर्न का ही स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूबॉर्न में इसके साथ पूरा ये आता है, इस टाइप से आते हैं, ये रहेगा आपका, ये बाथर होता है इसके साथ, तो आराम से बच्चे को यहाँ रख के नहला सकते हैं। 6 मंथ का बेबी हो गया आप इसे हटा दो फिर आपको नॉर्मली प्राइस रेंज सर इसकी मैं बता देता हूँ, स्टार्टिंग रेंज सर 2795 की MRP है, 2800 2500, हाँ आपको वैरायटीज काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी इसमें। ये बेबी का आप इसमें देख लीजिए, अब ये रहेगा बेबी का जो टॉयलेटरीज होती हैं, इसमें डस्टिंग पाउडर हो गया, शैम्पू हो गया, लोशन हो गया, ठीक है, इसमें आपका साबुन हो गया, बाथिंग बार हो गए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं बेबी एक की आती हैं, प्रो रेंज में भी आई हुई हैं सर, बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये काजल भी है कि हम कई काजल बनाते हैं ना बच्चों के लिए, हम आजकल बच्चे को लगाना ज़रूरी होता है तो ये काजल लगती हैं, टोटली आपका ऑर्गेनिक होता है, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके
बेबी हक ने अभी ये शायद सर ये किसी ब्रांड का नहीं आया जो बेबी हक का भी आया है, ये बेबी हक का ही आया है बच्चों के लिए काजल, तो जी 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 इसमें बाथर में एक ये चीज भी है, एक जो फर्स्ट लेवल होता है बाथर इसमें जो बाथिंग सेक्शन में होता है ये फर्स्ट लेवल होता है बच्चे का, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फोल्डेबल भी होता है, कॉम्पैक्ट भी होता है, लेवल्स होते हैं 3, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी है हमारे हाथ में थोड़ा स्लिपरी होता है, साबुन होता है, तो कभी कभी बच्चे को स्लिप होने का डर होता है, बट इस पर आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को बिठा के बात करा के नहला के आराम से इसको ड्राई 10-20 मिनट में ड्राई हो जाएगा, फोल्ड करके आप रख लो, इसको स्पेस की जरूरत नहीं होती, बहुत अच्छी चीज़ है सर। इसमें ऑप्शन आपको कलर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट क्या रहती है? 1495। बाकी सर मैं इसमें भी देख सकते हैं, ये भी एक बेबी गियर का ही पार्ट है, इसमें आपको जैसे हाँ ये मैनुअल राइड ऑन्स है सर, ये बेबी गियर का ही पार्ट है, मैनुअल राइड ऑन्स है, बेबी के वन ईयर प्लस में बच्चे को यूज़ होता है। हमें इलेक्ट्रिक वाली भी आती है, रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं, अगर वो यूज़ नहीं करना तो आप जैसे ये मैनुअल में दे सकते हैं बच्चों को गिफ्टिंग पर्पज़ से, या नॉर्मल एक एक्टिविटी के लिए दे सकते हैं बच्चे को कि वो यूज़ करें। ऊपर आपका ये जैसे ये रहता है, इसमें आपका रॉकिंग हॉर्स होता है, ये राइड ऑन भी है, रॉकिंग हॉर्स भी है सर आपका ये। और इनकी कॉस्ट या की बात 24 कहाँ से हो सर? इनकी 1400 से स्टार्टिंग हो जाती है, हाँ ये 3000 तक जाती है। जैसे उसमें एड ऑन फीचर होंगे प्राइस? हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। ये स्विंग कार हो गई, ये आपका मैनुअल कार हो गया, ये सारा मैनुअल कार है, ये आपका स्विंग कार हो गया, ये आपका 70 kg तक का वेट कैपेसिटी होती है इनकी। इवन आप भी बैठ कर ट्राई कर सकते हो, इस पर बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा आता है, इसमें आपको बैटरी की जरूरत नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ ये खुद स्विंग होती रहती है। ये आपका ट्राईसाइकल्स हो गया, एक बाईसाइकल्स के लिए ना ट्राई के लिए दे सकते हो, ये रहता है। इसमें पैरेंट हैंडल भी होता है, पुश बार हैंडल होता है जो इस टाइप से आता है, अगर बच्चा इसे यूज़ नहीं करता तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एक ऑप्शनल बच्चे को रख सकते हैं कि हाँ बच्चा ऐसे चलाएगा, इसका आप ऐसे रख सकते हैं। ओके ये पूरा हैंडल मूव होगा सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए होता है कि अगर बच्चा जैसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कर सकता है। हाँ ये आप यूज़ बच्चा यूज़ नहीं कर रहा तो सर ये आपका ये पूरा हैंडल मूव होगा, ये देखो पूरा हैंडल मूव होगा, आप आराम से चला सकते हैं, हैंडल मूव होगा और बच्चा प्रैक्टिस करेगा। तो काफी ऐसा नहीं है कि वेटेड हो साइकिल? नहीं लाइट वेटेड है, लाइट वेटेड है और स्ट्रॉन्ग है। हाँ स्ट्रॉन्ग है, आप किसी भी सरफेस पे आराम से इसको यूज कर सकते हैं। ये हार्नेस बेल्ट है, आराम से बच्चे को लगा दो, सेफ्टी के लिए भी आपकी पूरी प्रूफ रहती है, हार्नेस बेल्ट है, आराम से यूज कर सकते हैं। हैंडल कॉस्ट क्या रहती है सर? इसकी कॉस्ट है आपकी 4295 की MRP है जी। और बाकी ये बाइक भी है आपका, ये बाइक मिल जाएगा यहाँ पे, ये आपका बैटरी ऑपरेटेड बाइक है जो सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट है इसमें, जैसे हमारे बाइक्स में होती हैं वैसे इसमें भी है, आराम से सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं इसको, आराम से 5 ईयर्स तक का बच्चा यूज़ कर सकता है, 5 to 6 ईयर तक में। इसके डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छे होते हैं सर। इसमें इसकी फीचर्स में बता देता हूँ, इसमें USB यूज़ कर सकते हैं, इनबिल्ट म्यूज़िक भी होती है सर, इसमें डिफरेंट म्यूज़िक होती हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट है, आप ब्लूटूथ से भी प्ले कर सकते हैं जो भी सॉन्ग प्ले करना हो। इसमें भी LED दी रखी है। हाँ LED भी है सर में इसके, हालांकि आर्टिफिशियल है वो लुक थोड़ा सा लुक देने के लिए, हाँ उसमें जान डाल देते हैं बच्चों के लिए। एक आपका इसी साइकिल का इस जैसे हम ट्रायल लेते हैं, ये हमारा ट्रायल हो गया, हम बेबी को एक इसमें क्या कहते हैं उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं बच्चे को ये बाईसाइकिल चलाने के लिए। आप बाईसाइकिल भी देख सकते हैं, ये 3 ईयर्स बाद यूज़ आएगा आपके, ये 3 ईयर्स बाद यूज़ आएगा, बेबी एक के ट्राईसाइकिल है पूरे सर। इसकी स्ट्रॉन्गबिलिटी इतनी होती है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चरिंग इतना अच्छा होता है कि आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम नॉर्मल हमारे पास भी साइकिल्स आती हैं, अलग अलग मार्केट में आते हैं, बट उसकी और इसकी बहुत फीचर्स अलग होते हैं सर। फीचर एज एन की आपका ये जो बॉडी पार्ट होते हैं, ये पूरा जो स्ट्रचिंग होती है पूरी बेबी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, मजबूत बहुत आराम से, बहुत लॉन्ग टर्म तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी सर इधर मैं आपको वॉकर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ जो 6 मंथ के बाद यूज़ आएंगे। ये हैं सर ये वॉकर्स हैं, इसमें डिफरेंट वॉकर्स आएंगे आपके, बेबी के वॉकर्स होते हैं। ये होते हैं 6 मंथ के बाद आप बेबी के अकॉर्डिंग अपना लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं कि बच्चा वॉक करे, वॉक करने के लिए होता है सर। इसमें म्यूज़िक होती है, बैटरी लगानी पड़ेगी, लाइट्स हैं, म्यूज़िक हैं, ये रैटल सेट होता है, बच्चा प्ले करे, इंगेज रहे, ये चीज़ है सर इसमें। इसमें ये सारे कलर्स हैं सर। एक रॉकर कम वॉकर होता है कि अगर कभी बच्चा वॉक करते करते थक जाता है तो आप उसको रॉकर होता है ना हमारा, रॉकिंग टाइप रॉकिंग चेयर बन जाता है, वैसे करके आराम से बच्चे को रिलैक्सिंग पार्ट में भी रख सकते हैं, ये चीज़ होती है। मैं उसको उसमें भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सर
ये है रॉकिंग पार्ट में, इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए सर, ये आपका रॉकिंग हो गया कि लिटिल बिट आपका रॉकिंग रहेगा, अच्छा, बच्चा वॉक नहीं करेगा। आप इस पर भी उठा के बच्चे को फीड करा सकते हैं, इस पर म्यूजिक रहेगा, बच्चा आराम से खेलेगा, मतलब मल्टीटास्किंग हो गया। और बीपीए, टोटल बीपीए फ्री होता है सर, ये टोटल बीपीए फ्री प्लास्टिक होती है, ईएन सर्टिफाइड होता है कि बच्चा अगर लिख भी करता है ना इस पर तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी है, आराम से यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बीपीए, इसमें सबसे बड़ी बात बीपीए में क्या होता है, बीपीए फ्री प्लास्टिक आते हैं, अगर आपको प्लास्टिक मिल रही है तो बीपीए फ्री होती है, इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड से पूरा सर्टिफाइड रहेगा और बीपीए फ्री प्लास्टिक मिलेगा। प्लास्टिक का कोई हार्म, हाँ, प्लास्टिक का कोई हार्म नहीं रहेगा आपको। बाकी सर ये कैरी कॉट है, कार सीट्स कैरी कॉट्स वगैरह मिल जाएंगी इसमें। अब ये भी आता है आपका सेफ्टी के अकॉर्डिंग आता है, जैसे ये वाला देखेंगे सर, आपका कैरी कॉट रहेगा, कैरी करना हो बच्चे को कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका रॉकिंग सिस्टम भी रहेगा इसमें, और इसको आप कैरी कॉट भी बना सकते हैं, कैरी कॉट रहेगा, आप कार सीट भी बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप कार सीट का यही होता है सर, कि हम जैसे कहीं हम ट्रैवल कर रहे हो तो कैरी कॉट का फर्स्ट स्टेप यही, कार सीट भी बन जाएगा आपका, इसका बेनिफिट ये होता है आपका, ये 1 ईयर 1.5 ईयर तक आराम से चलेगा, जो कार में हम बेल्ट से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आपका आएगा कार सीट, कार सीट में जैसे ये वाला हो गया, हमें प्रॉपर आज के टाइम में इंडिया में भी बहुत यूज़ होने लग गया है, कहीं हमें हम कार चला रहे हो स्पीड ज़्यादा हो, सडनली ब्रेक मारना पड़े, तो इस चीज़ों में सेफ होता है, हमें चोट नहीं आएगी। इसमें सिटिंग पोजीशन भी होता है, 6 मंथ के बाद आएगा, यूज़ आएगा, ये आपका 5 ईयर 7 ईयर 12 ईयर्स तक के लिए होती हैं ये, जब हम कार में रखेंगे तो बेल्ट से उसको। हाँ सर, अभी क्या होता है, अभी तो सर देखो कार की बेल्ट से लगते हैं, अभी तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया कि पीछे भी अगर हम भी बैठेंगे, बच्चों के अलावा हम भी बैठेंगे तो हमें भी बेल्ट लगानी पड़ेगी, अदरवाइज हमें फ़ाइन देना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए भी होता है कि पीछे वाला कार सीट होता है ना, कार सीट के जो बेल्ट आती हैं, सो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपका एडजस्ट करेगा पूरा वो। अच्छा। मैं आपको बता दूंगा, जैसे कई कस्टमर्स होते हैं उनको हमें बताना होता है कि सर ये आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड से पूरा प्रूफ है, अगर इसे हमें फ्रंट पे यूज़ करना है तो मैक्सिमम वेट होना चाहिए बच्चे का 10 kg। अच्छा, फ्रंट सीट। हाँ, फ्रंट सीट पे अगर हमें यूज़ करना है तो मैक्सिमम वेट 10 kg का होना चाहिए बच्चों का, 1 ईयर तक कंप्लीट होने चाहिए, आराम से यूज़ करना है। बिल्कुल आप सर इसकी कुशनिंग देखिए सर, फ्लाइट्स वगैरह में जो इसकी कुशनिंग होती है ना वो होती है बेबी हग में, जो कंफर्ट हो बच्चे को, गले में पेन ना हो, ठीक है। और इसमें भी है इसको हैंग करने के लिए? नहीं सर, ये हैंग करने के लिए नहीं होता, ये कार सीट, ये हैंग करने का, ये देखो इसमें हैंग करने का कुछ भी नहीं होता, बस जैसे वॉश करनी हो आप इसे वॉश कर सकते हैं, ये निकाल के आपका वॉश हो जाएगा। स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए आप इसे हटा सकते हैं, जैसे बच्चा ग्रो होता है, हेल्दी हो गया, तो ये चीज़ें आप कम कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ओके। ये आपका हार्नेस बेल्ट है, इसको हमें लूज़ करना होता है तो ये यहाँ से लूज़ कर सकते हैं बटन। हाँ, ये बटन होते हैं जो हमें ये चीज़ें कस्टमर्स को बतानी होती हैं, हम हर चीज़ अब जैसे ऑनलाइन हमने बाई किया तो वहाँ चीज़ें ये हमें नहीं बताई जाती हैं, तो हम स्टोर्स पे आपको टोटल आपको एक डेमो देते हैं कि आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कॉस्ट क्या रहेगी सर? इनकी कॉस्ट 7800 से स्टार्ट होकर 8000 तक रहती हैं, 10000 12000 तक जाती हैं सर, जितनी ज़्यादा फीचर्स, हाँ जितनी ज़्यादा फीचर्स होंगी, जितनी ज़्यादा क्वालिटी होंगी वो उसके अकॉर्डिंग होंगी। ये आपका आ गया बेबी कैरियर, ट्रैवल के लिए जा रहे हो, अब हम हर टाइम अब कैरी नहीं कर सकते बच्चे को, तो ये क्या रहता है कंगारू बैग, इसको कंगारू बैग भी कहते हैं, और आपका बेबी कैरियर, हाँ ये देखिए ये इस टाइप से रहेगा डिस्प्ले में पूरा, आप ऐसे इसको 3 वे में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ये बाहर की साइड हो गया बेबी का फेस, बेबी का फेस अपनी साइड भी कर सकते हैं, एक पिट्ठू पे भी साइड यूज़ कर सकते हैं, बट पिट्ठू वाला साइड कम यूज़ होता है, इसको हम फ्रंट साइड में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आपका 12 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है, 24 मंथ के लिए भी होता है, 12 ईयर्स कह रहा हूँ मैं, आपका 12 मंथ होता है, 24 मंथ होता है, और 3 ईयर्स के लिए होता है, 26, हाँ 6 मंथ, इसमें बेसिकली वैसे तो 6 मंथ से स्टार्ट होता है, इसमें मेंशन आपका 0 मंथ होगा, बट इसका स्टार्ट 3 मंथ से करें ज़्यादा अच्छा रहेगा बेबी के लिए। अच्छा, इसमें पीछे, हाँ इसमें पीछे डिस्प्ले किए हुए हैं, बट इनके यूजेस ज़्यादा मोस्टली यूज़ ये वाले होंगे आपके, ये वाले यूज़ होंगे, एक ये वाला चीज़ जैसे इसको पीछे आपका शोल्डर के लिए होता ना, कि यहाँ दर्द नहीं होगा आपके शोल्डर पे, ये दिया हुआ है कि बेल्ट होती हैं आपको कम्फर्ट, और बैक रेस्ट के लिए भी दिया हुआ है कि हम अगर बच्चे को रखें ना तो हमारा बच्चा कम्फर्टली बैठे और हमें भी दर्द ना हो, ये चीज़ होता है। ओके। बाकी सर मैं आपको डाउनस्टेयर्स भी दिखा देता हूँ, नीचे भी ऑप्शन हैं हमारे काफ़ी सारे।
उसमें सॉफ्टवेयर हैं ये बेबी के लिए होते हैं, सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट टॉयज होते हैं, करेक्टर्स हो गए, बच्चों को अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। इसमें ये होता है कि हमें कभी सॉफ्ट हमें इस टाइप से चाहिए होता है, हमें डॉग चाहिए सॉफ्ट में, आप ये देख सकते हो करेक्टर्स बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं, वो दे सकते हैं। ट्रेन चाहिए होता है ट्रेन दे सकते हैं, कैटरपिलर चाहिए होता है कैटरपिलर दे सकते हैं, बड़ा टॉय नहीं देना हम छोटा टॉय दे सकते हैं, इस टाइप से सॉफ्ट होता है बच्चे को नहीं लगेगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, अब गर्ल होती हैं, गर्ल को हमें टेडी चाहिए होता है, हमें उसमें डॉल चाहिए होता है, तो आप ऐसे डॉल दे सकते हो। और इनकी प्राइस रेंज क्या? प्राइस रेंजिंग सर इसकी आपकी स्टार्टिंग प्राइस आपका जैसे ये हो गया आपका ये 545 की रेंज में, ओके, ये 545 की रेंज से लेके आप टू 2500 तक की रेंज आती है। बाकी साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी और कलर्स वगैरह देख सकते हैं। इसमें एक जैसे ये हो गया, अब ये बहुत प्यारा है, ये बहुत क्यूट है, इसे आप भी लेना चाहेंगे, ये इतनी अच्छी चीज़ है, आपको अच्छा ही लग रहा है, अट्रैक्टिव लगता है, जो चीज़ अट्रैक्ट करेगा वो आप चीज़ बाय करेंगे। इसमें टोटल हो गया इसका प्राइस है सर आपका, इसमें प्राइसिंग है इसकी 1000 rupees, 995 की MRP है इसकी, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग टॉय मिल जाएंगे, जैसे एक्टिविटी टॉय में, अगर एक्टिविटी टॉय में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं ब्लॉक्स, बच्चों के ब्लॉक्स होते हैं, ये एक्टिविटी करने के लिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं, क्या चीज़ बनाना हो, इसमें बिल्डिंग बनाना हो, कोई चीज़ कार बनानी हो, कोई इस टाइप से बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं। ये कितने का पड़ेगा सर? इसकी इसका प्राइस है आपका 1695 की MRP है इसकी, 150 ब्लॉक्स होते हैं इसमें, बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ भी करेक्टर्स बना सकते हैं आप इसके साथ, ठीक है। इसके बाद आ गया अब छोटे बच्चे के लिए होता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होगा, थोड़ा हमें वॉइस वाला चाहिए होता है, अट्रैक्टिव चाहिए होता है, तो ये देख सकते हैं, ये सॉफ्ट होता है, और एक इसमें लिटल थोड़ा सा म्यूजिक होता है जिसमें ज़्यादा वॉयलेंस नहीं होती, बच्चों के लिए लाइट म्यूजिक ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। और ये अगर बच्चे को अगर गिर भी गया आपके हाथ से गलती से, तो बच्चों को चोट नहीं आनी, गलती से भी गया, ये सॉफ्ट है, हाँ बहुत सॉफ्ट है, इसको देख सकते हैं, ये देखिए, अच्छा अंदर आवाज़ है, ये सारे टॉयज इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, एक ये भी देख सकते हैं ये वाला, इसमें म्यूजिक थोड़ी लाउड होती है, ये इस टाइप से बच्चों को दे सकते हैं, जितना अच्छा म्यूजिक होगा बच्चा उतने उसके अकॉर्डिंग देखेगा सर, ठीक है। ये टेंट हाउस है, ये 3 इयर्स के लिए होता है बच्चों के लिए टेंट हाउस, अच्छा। ये आपका कहीं बाहर आना जाना हो, आउटडोर खेल सकते हैं इसको, इनडोर आउटडोर दोनों ही खेल सकते हैं इसको, बच्चे के लिए होता है कुछ गिफ्ट करना हो आपने या बच्चों को, वैसे इसकी प्राइस सर 1500 से लेकर 2000 तक की MRP होती है सर इसकी, ठीक है। इसमें आपका एक ये भी होता है सर, फन एंड लर्न, बच्चों के लिए 3 ईयर प्लस ये एक्टिविटी बॉक्स होता है बेसिकली, कि हमारा एक इंटेलिगेट आता है फर्स्ट का में, इंटेलिगेट आता है, और बेबी हक ने आपका ये भी निकाला है, एक इंटेलिगेट के टाइप का ही होता है ये बेबी हक का एक्टिविटी बॉक्स है, डिफरेंट डिफरेंट सर इसमें वो होते हैं, इसके पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं, कलर से कुछ पिक्चर्स बनाना, कलर से कुछ चीज़ें बनाना, जैसे ये देखो ये कार्ड दिए हुए हैं, ये की फीचर्स यहाँ पे सारे मेंशन होते हैं, एक्टिविटी बिल्ड करना होता है बच्चे को, माइंड डेवलप करना होता है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है बच्चों के स्टडी से रिलेटेड। अगर आपने देना है तो बेबी का ये वाला एक्टिविटी बॉक्स बहुत अच्छा है सर, 3 ईयर के लिए अगर स्टडी से रिलेटेड कुछ देना होता है।